तो गाइस स्टॉक टायर के साथ कुछ ऐसी लुक हमें नज़र आ रही है, और अब जब टायर इसके अपग्रेड हो जाएंगे फिर मैं आपको लुक दिखाऊंगा जो इसकी डिफरेंट लुक आएगी। हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ जिमनी में अपनी, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। मैं लाया हूँ जो जिमनी में टायर अपग्रेड कराते हैं, तो हम भी अपने टायर को अपग्रेड करा रहे हैं। और मैं टायर जो डाल रहा हूँ अपनी जिमनी में वो है अपोलो के, बहुत ही शानदार अपोलो के टायर्स हैं। मेरी जो KTM बाइक है उसमें भी अपोलो के टायर्स हैं। तो जो साइज़ हम चूज़ किया है वो है 215/75 R15। तो काफ़ी कॉमन साइज़ है ये, और काफ़ी मैंने वीडियो देखी है जिसमें 225 भी डाला जा रहा है, 235 भी डाला जा रहा है। उससे क्या कहते हैं कि अपनी माइलेज में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और आपको जो कटिंग होती है लेफ़्ट राइट में उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। 235 में तो बहुत ज़्यादा होती है, 225 में फिर भी कम है, लेकिन 215 इज़ ए परफेक्ट साइज़ है। उसमें ज़्यादा हमारे जो स्पीड जो ये जो हमारे 195 है और 215 है उसमें 0.06 का डिफरेंस पड़ता है जो माइलेज होती है, और जो हमारे स्पीडोमीटर में स्पीड नज़र आती है। तो गाइस अपनी जो जिमनी में हम अपने अपग्रेड कराने आए हैं, तो ये है JK टायर स्टील व्हील एक्सपर्ट टायर्स। ये हमारे फ्रेंड की शॉप है अजय भाई की, अभी मिलवाऊंगा उनसे। तो हमारी आ गई है जिमनी, यहाँ पे इसके टायर अब चेंज होने वाले हैं। गाइस ये है अपोलो का एप्टेरा 82 ऑल टेरेन 2 टायर्स, जिसका साइज है ये देखिए 215/75 R15 100T। और इसकी ग्रूव्स देख लीजिए, काफ़ी मतलब कि बढ़िया ग्रूव्स हैं और काफ़ी चौड़ा है हमारी स्टॉक टायर से। ये स्टॉक टायर है और ये हम अपग्रेड करा रहे हैं 215 अपोलो का, और ये साइज़ में इसका फ़र्क है। ये देखिए ये ज़्यादा बड़ा है और ये और ऊंचा भी है, ये थोड़ा 1-2 इंच का फ़र्क पड़ेगा इसका। तो ये दोनों हमारे स्टॉक और अपोलो जो हम अपग्रेड करा रहे हैं, दोनों टायर हैं ये। हमारी जिमनी के दोनों टायर उतार लिए गए हैं, और उसको ये देखिए सामने यहाँ पे चेंज किया जा रहा है टायर को मशीन के द्वारा। तो कभी भी टायर डलवाएं तो मशीन से ही डलवाएं, हाथों से ना डलवाएं, वो हथौड़े मार मार के आपका जो कि ये रिम है उसको ख़राब कर देते हैं। तो पहला टायर डल गया है और बाकी अभी 3 टायर और डलने हैं, और इनका प्राइस मैं आखिर में बताऊँगा आपको कितने के मुझे पड़े और कितने के बाय बैक हुए हमारे जो टायर्स हैं। ये सारे टायर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और अब हमारे जो टायर्स हैं उनकी बैलेंसिंग हो रही है, तो कभी भी टायर डलवाएं तो विद बैलेंसिंग करवाएं टायर को अपना, विदाउट बैलेंसिंग मत कभी भी टायर लगवाएं। गाइस राइट साइड के हमारे टायर लग गए हैं, ये आप देखिए अब लुक कितने शानदार लुक लग रहा है। ये देखिए ये राइट साइड लग गए हैं, काफ़ी अच्छी लुक आ गई है हमारी जिमनी की, और इसकी तो निकल पड़ी है यार। तो गाइस हमारी जो जिमनी पे टायर अपग्रेड हो गए हैं, और ये देखिए कितना शानदार टायर लग रहे हैं इसके, बहुत ही शानदार टायर है। ये देखिए टायर देखिए कितना बढ़िया टायर लग रहे हैं। ये इसके रियर के हैं और ये इसके फ्रंट टायर हैं। क्या गाड़ी की लुक निकल के आई है, इतनी शानदार, वाह मज़ा आ रहा है। हमें लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हैं, और ये आखिरी जो हमारा टायर था अपोलो का वो भी फिट हो चुका है जो स्टेपनी में लगना है। और अब लुक देखिए, क्या गाड़ी की हमारी जिमनी की लुक निकल के आई है यार, बहुत ही शानदार। और इसका जो प्राइस हमें मिला है वो 6,000 per tire मिला है, लगभग जो टोटल बनता है 5 टायरों का 6,530,000 जो बायबैक हुए हैं हमारे जो टायर हैं, 2,500 per tire हमने वापस किए हैं, तो लगभग 17,500 रुपये हमने देने पड़ेंगे। अब अजय भाई आएंगे तो पता चलेगा कि और डिस्काउंट करते हैं नहीं, मेरे फ्रेंड हैं तो उन्होंने ये प्राइस मुझे दिया है।
तो मार्केट में तो नॉर्मल यही मिल रहा है। तो गाइस आपको कोई भी क्वारी हो टायरों के बारे में पूछ सकते हैं, और मैं इसका ब्लॉग भी बनाऊंगा कि आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ टायर आपकी गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ता है और चलाने में कितना फ़र्क है, ये सब हम बात करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jat_on_wheel, not wheels। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायनारा।